ऐसी लग रही है गाड़ी अंदर से देख लो कुछ ऐसी रहती है। कल ही तो गाड़ी लेके आए थे, आज अलॉय डलवा दी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई फिलहाल तुम्हारा भाई आ रखा था भाई जिम पे। तो भाई कल के अपने व्लॉग में तुमने देखा होगा भाई फाइनली हमने फॉर्च्यूनर ले लिया है ना। उस दिन के व्लॉग में देखा होगा हम बुक करके आए थे ना फॉर्च्यूनर, तो भाई फाइनली कल भाई फॉर्च्यूनर हमने ले लिया है। तो बहुत जल्द भाई उसका हम फुल रिव्यू वाला वीडियो बनाएंगे जरूर, ठीक है। कि अब की वाली जो फॉर्च्यूनर है जो हमने ली है 2024 मॉडल, उसमें क्या डिफरेंस है, और जो हम पे पहले थी ना 2017 मॉडल फॉर्च्यूनर, उसमें क्या डिफरेंस है ना, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे बहुत जल्द। इधर एक दुल्हन बैठी है गाइस। भाई कल तुम्हारा भाई गाड़ी ले आया, कैसी फीलिंग आ रही है? भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। कांग्रेचुलेशन बोल, चल बोल यार। बोलो ना। यार मेरे पे बोलना नहीं आता। कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेस। चल तू बोल दे बधाई हो, बधाई हो बोल दे। कांग्रेचुलेशन की हिंदी है बधाई हो। तेरी कसम, सच में माँ कसम भाई, बधाई हो हिंदी तू बधाई हो बोल। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा भाई, मैं जा रहा हूँ घर, घर जाते ही हम जा रहे हैं भाई आज दिल्ली करोलबाग, क्योंकि अपनी जो फॉर्च्यूनर है ना भाई उसमें अलॉय व्हील्स तुम्हें पता है 17 इंच के आते हैं ना, और वो भाई खास अच्छे भी नहीं लगते। तो हम ना उनको चेंज कराने की सोच रहे हैं, बहुत बड़े नहीं डलाएंगे पर बहुत मतलब हद तक अच्छे लगते, जो मतलब 20 के हम सोच के जा रहे हैं, 20 इंच की है ना, 20 इंच अपना है उसमें व्हील डलाने की, क्योंकि 20 भाई ऐसा साइज है जो उसमें बहुत ही मतलब प्रॉपर सेट रहता है, और माइलेज वगैरह में भी और मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आती, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे मतलब और व्हील्स होते हैं ना उनको डलवाने से भाई गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है, एवरेज ख़त्म हो जाती है और काफ़ी सारी दिक्कत करती है ना, कटिंग वगैरह कुछ नहीं। भाई कहने का मतलब मेरा ये है भाई, गाड़ी है ना जो अपनी फॉर्च्यूनर, उसके टायर ना उसके बॉडी के हिसाब से लगते हैं हमको थोड़े पतले, ठीक है। कंपनी को जैसे भी लगते हो पर हमको लगते हैं थोड़े पतले, मतलब तो उसकी लुक है ना जो उसके हिसाब से सूट नहीं करते उसके जो टायर है उसमें फिलहाल। तो हम ना कुछ ऐसे टायर उसमें डलवाने की सोच रहे हैं जो ना गाड़ी ऐसी लगे भाई भरी भरी सी पीसेस है ना, मतलब बढ़िया लगे लुक, कहने का मतलब ये है। तो ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं और प्रॉपर पता चलेगा भाई शॉप पे जाके कि उसमें 20 सही रहेंगे या 18 इंच सही रहेंगे, क्योंकि 18 भाई दे रही है कंपनी 4x4 में है ना, 18 भी डल जाते हैं उसमें, पर 4x4 आ रही है ना जो फॉर्च्यूनर उसमें आते भाई 18। तो ये सब चीज़ देखेंगे भाई वहीं पे चल के। है भाई तूने देखी अपनी फॉर्च्यूनर कल? पहले हम पे ब्राउन कलर की थी, मेरे को उसका नाम नहीं पता, मैं ब्राउन ही कह देता हूँ, अब लेके आए व्हाइट। व्हाइट तगड़ी लगती है ना, वो कलर तगड़ा था, उसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है उसमें डिफरेंस। हाँ बताऊँ तुम्हें बहुत बड़ा भाई, जो हमारी पहली वाली फॉर्च्यूनर थी ना उसके मुकाबले ये हमें छोटी छोटी सी लग रही है, कुछ पता नहीं क्यों। सच में ये वाली जो फॉर्च्यूनर है ना उसके सामने है ना छोटी छोटी सी लग रही है, कुछ पता नहीं भाई ये क्या है। हाँ घर खड़ी है ना तो हमें जैसे आदत पड़ी हुई है भाई उधर की साइड देखने की, हम अंदर ही खड़ी रहती है वो, तो उधर की साइड एकदम देखते हैं ना तो ऐसी लगती है कि नकली सी खड़ी है ना। सही भाई, हाँ वो बहुत दिन से वही देख रहे हैं ना भाई, वो ब्राउन सब जो कलर। तो चलो कोई नहीं, धीरे धीरे भाई आदत पड़ जाएगी उसको देखने की भी, बट गाड़ी भाई बहुत ही प्यारी है सच में ही, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अभी तुम्हें ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं उसके फीचर वगैरह और चेंजेस के बारे में, क्योंकि उसके ऊपर ना हम प्रॉपर एक व्लॉग बनाएंगे सेट जिसमें पूरा भाई सब कुछ बताएंगे कि क्या इसमें डिफरेंस है, क्या इसमें अलग हुआ है अभी, क्या नहीं, क्या जो भी है, ठीक है वो सारा बनाएंगे। पर उससे पहले अभी जा रहे भाई घर, घर जाके जल्दी से नहाता हूँ, नहा दोगे हम निकल रहे सीधा दिल्ली करोलबाग, वहाँ पे जाएंगे अपनी फॉर्च्यूनर के लिए न्यू अलॉय व्हील्स लेने। है भाई ओ वैसे पापा ना भाई खुश नहीं है कि इसके अलॉय व्हील चेंज हो, हम ही थोड़ी ना पापा को एक दो गोली दे रहे हैं भाई जिम को बंद करने के बाद, हम ही पापा को ना गोली दे रहे हैं कि पापा इसमें ना व्हील गिरवाएंगे वो नए मॉडल की फॉर्च्यूनर के जो अब आ रही है 2024 है ना, लेजेंडर की पटा रहे हैं, मैंने कहा पापा लेजेंडर के व्हील डलवाएंगे, पापा कह रहा है यार व्हील तो मत गिरवाओ इसमें बढ़िया आई है, मैंने कहा पापा व्हील तो डलवाने दो यार थोड़ी, तो देखते हैं वो सब पता चलेगी भाई अपना शॉप पे ही, ठीक है। तुम्हारा भाई नहाया नहीं है अभी क्योंकि मैं आया था भाई डोडो और बेला के खाना रखने और जिम को भाई बंद करने, क्योंकि टाइम फिलहाल पता कितना हो रहा है, घड़ी मेरे पास है नहीं पर 12 के समथिंग हो रहा है टाइम, 12 तो बच गए होंगे, 12 तो बच गए भाई। तो भाई जल्दी से चाहता हूँ घर, नहा धो के फिर निकलते करोलबाग, दिखाते हैं आज तुम्हें फॉर्च्यूनर में हम कौन से वाले व्हील डलवाने वाले हैं। भाई चीते लगा दे भाई लगा दे। तो भाई घर पहुँच चुके हैं और ये खड़ी भाई अपनी पुरानी फॉर्च्यूनर यहाँ पे खड़ी है, देखो है ना यहाँ पे अपनी स्प्लेंडर खड़ी होती है भाई, ये कैसी लग रही है यहाँ पे खड़ी हुई देखो, तगड़ी लग रही है भाई अपनी जो नई वाली फॉर्च्यूनर है वो गई,
उसको लेके गए भाई, हम दूसरी गाड़ी को लेके जाएंगे भाई, मिलेंगे हमें वहीं शॉप पे। तो भाई नहा धो के बिल्कुल हो चुके हैं अपना सेट, और फिलहाल अपना टाइम हो रहा है भाई 1:12। अपने जो भाई है वो खड़े बाहर, ले भाई यहाँ पे खड़ी होती है अपनी न्यू फॉर्चुनर यहाँ पे। अरे धूप धूप भाई बहुत तगड़ी पड़ रही है। ये खड़ी अपनी स्कॉर्पियो, वो खड़ी अपनी फॉर्चुनर, इसके बारे में मैंने तुम्हें बता भी दिया है। ले भाई ले क्या लगती है भाई यहाँ पे खड़ी हो गई है ना, देखो बेचे दोनों भाई। तो भाई जल्दी से चलते हैं अपना करोल बाग, वहीं पे मिलते हैं तुम्हें सीधा, ठीक है। तो भाई करोल बाग की साइड निकल चुके हैं और हमारे पास है भाई अपना वरना, ठीक है, और भाइयों के पास अपने न्यू फॉर्चुनर, ये अपने सूबे भाई, सूबे सूपे सोपू सोपू भाई साथ में, ठीक है। तो भाई अपना फिलहाल टाइम हो रहा 3:00 भाई, 47 मिनट कुछ हो रही है भाई, कितनी देर पहुँच जाएंगे हम? हाँ तो जाम नहीं है ना, उस दिन भाई I-10 में आए थे ना व्हील डलवाने, उस दिन जाम था इस रोड पे पूरे पे तगड़ा, उस दिन लगा था टाइम, आज तो टाइम नहीं लगा, आज जाम नहीं है। तो पहुंच जाएंगे भाई 15 मिनट में, वहीं मिलते हैं तुम्हें सीधा, देखते हैं अपनी फॉर्चुनर में कौन से व्हील बेस्ट रहेंगे। फाइनली भाई अपना करोल बाग पहुंच चुके हैं, वो गाड़ी अपनी फॉर्चुनर भाई यहाँ पे दिखाऊंगा। तो भाई जल्दी से चलते हैं, देखते हैं अपने वाला इस जो हम चॉइस कर रहे हैं अच्छे लगते हैं नहीं, जो हम तगड़ा लग रहा है गाइस। अल्लाह भाई ये गाड़ी टॉप में आते हैं ना, इसमें मैनुअल ऑटोमेटिक का भी अलग अलग आते हैं यही। ये आवाज़ भाई 4x4 में ये भाई 4x4 का ये बीच में भी आता है, तो बीच में ये है, या तो सही तो लग रहा है ऐसे ही डायमंड कट बोलते हैं। और कुछ है तो आप दिखा दो अपने हिसाब से सजेस्ट। तो भाई ये वो अलॉय व्हील्स है जो हम भाई अपना सिलेक्ट कर रहे थे आज, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और एक ये ब्रिजस्टोन का टायर है और एक ये भाई मिसलिन का, ठीक है। साइज इनके भाई दोनों सेम है, 275/45 R20, ठीक है, 20 इंच के अलॉय व्हील्स भाई हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला यही पसंद आ रहा अभी तो। और अभी ना रेट वेट ट्राई कर रहे हैं, रेट बढ़िया हो जाएंगे फिर अपना देखेंगे डलवाएंगे। वैसे ये वाला टायर ज़्यादा अच्छा लग रहा है मिसलिन का, है ना, साइज इनके सेम है पर चौड़ा देखने में ये लग रहा है, है ना। और अभी देख रहे भाई कोई अच्छा सा अलॉय, वैसे तो ये वाला पसंद है, घर से भी हम यही सोच गए थे। फाइनली भाई अपने जो फॉर्चुनर टायर है ना ये हो गए भाई खुलने स्टार्ट, ठीक है। अभी अपने अलॉय व्हील से जो वो आने वाले, पहले भाई इनको लूज कर रहे थोड़े, इनको लूज करके खोल के फिर डलेंगे ना मैं व्हील, अभी देखना थोड़ी देर में। ले भाई भाई टायर अपने फॉर्चुनर के आ चुके हैं ये रे भाई सारे, अभी इनमें ना अलॉय और डलेंगे और फिर फिटवाएंगे भाई अपनी फॉर्चुनर में। एक टायर तो भाई खुल भी गया इसका,
ओ भाई पीछे वाला खुल गया। ले भाई भाई कैसी लग रही गाड़ी अंदर से देख लो, कुछ ऐसी रहती है बिल्कुल ब्रांड न्यू। कल ही तो गाड़ी लेके आए थे, आज अलॉय डलवा दी इसमें। ले भाई भाई इसका नंबर है 285, ये रहा भाई 285/60R18 और वो है भाई 265, मतलब वो कम चौड़े ही ज़्यादा चौड़े कहने मतलब ये, और एक साइज इंक्रीज भी है, ये 18 है वो 17। ला भाई भाई टायर तगड़े है भाई, सोप भाई बढ़ेगी गाड़ी इन तो भाई गाड़ी अच्छी हो जाएगी, भरी भरी है, थोड़ी बाहर भी आ जाएंगे टायर है ना। ला भाई भाई इनको डला रहे हैं, पहले ना मूड भाई उनका बन रहा था 20 का, फिर 20 ना भाई अनकम्फर्टेबल हो रहे थे ज़्यादा, सरदार जी कह रहे थे भाई अपना कम्फर्टेबल नहीं रहेगी गाड़ी। मैंने कहा जी कम्फर्टेबल तो रखनी है, तो कह रहे भाई ये मटलाओ फिर ये डलाओ आप अपना ऑटोमेटिक वाले, ऑटोमेटिक में आते भाई 18 इंच ये वाला जो टायर आता है ये आता भाई ऑटोमेटिक में। ले भाई भाई अपना टायर है ना जो वो चढ़ रहा है यहाँ पे फॉर्च्यूनर का। भाई अपना जो टायर है ना वो चढ़ चुका है एक, भाई कैड़ा तो लग रहा टायर अलग से ही, देखो थोड़ा बाहर भी आ गया देखो, अभी पीछे वाला और रह रहा है इसको और चढ़वाते हैं। और इसमें कंफ्यूजन हो रही भाई, हमें चाहिए था सिल्वर और ये टाइटेनियम कलर, मतलब बता रहे कह रहे कि इसमें टाइटेनियम ही आता है, हम कह रहे भाई सिल्वर भी आता है, कह रहे नहीं भाई यही आता है, तो देख रहे अभी। एक टायर अपना हो चुका भाई कम्प्लीट डल के। सोपो भाई कैसा लग रहा टायर? सो भाई अपना है भाई खाना वाना थोड़ा भी लिया नहीं है, कह रहा दिमाग खराब है, पर ये जो टायर है भाई 4x4 गए है ठीक है, बट जो टायर साइज है ना वो लिया हमने ज़्यादा, हाँ वैसे आता भाई इसमें 275 हमने लिया 285 ठीक है। ये देखो भाई अभी ना दोनों डलने देते हैं फिर फाइनल लुक दिखाऊंगा तुम्हें, यानी कि ना अब दिखाऊंगा भाई क्योंकि टायर भी ना थोड़ा बाहर निकल रहा है, देखो बॉडी लेवल से बाहर है थोड़ा थोड़ा सा, पर तगड़े लगेंगे भाई। भाई एक साइड के अभी टायर खुले हैं, एक साइड तो भाई अभी लगे हुए देख लो स्टॉक, इनसे तो बहुत हैवी है वो, ये जो ओरिजिनल वाले हैं ना इनसे तो बहुत हैवी है वो, रखे भाई 3 जोड़ी और। तो भाई अब अपने जो ये व्हील है ना ये हम अभी हटवा रहे क्योंकि ये वाला जो कलर है भाई ये पसंद नहीं आ रहा हमको बिल्कुल भी, क्योंकि ये थोड़ा ग्रे ग्रे सा पता नहीं कौन सा कलर है, और हमें चाहिए भाई सिल्वर, पर सिल्वर इनके पास है नहीं तो दूसरी शॉप पर जा रहे हैं भाई। और टायर तो भाई पसंद था बढ़िया है टायर, पर अलॉय का कलर पसंद नहीं आया तो अभी ना दूसरी शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पे वो भाई कह रहे हैं कि मिल गया व्हील सिल्वर में तो वहाँ पे डलवाएंगे, इनके पास है ही नहीं तो भाई क्या करें ना, टायर तो अच्छा है बट व्हील का जो कलर है ना उससे मन हट रहा है, तो फिर से अपने लगवा दिए भाई वापस भाई, और ये वाला अलग से ही फिर निकलेंगे दूसरी शॉप वहाँ पे गिरवाएंगे फिर। टायर तो भाई लग रहा तगड़ा क्योंकि उससे भी थोड़ी ज़्यादा हाइट भी इंक्रीज़ होगी है और चौड़ाई भी मतलब ज़्यादा होगी पहले से। भाई वहाँ से अपना गाड़ी को लेके आ चुके हैं भाई भाई दूसरी शॉप पे, यहाँ पे भाई रेट भी बढ़िया है और भाई कह रहे हैं कि हमें जो व्हील चाहिए थे ना वो सिल्वर कलर के वो भी भाई इनके पास है, तो अभी एक बार अंदर जाएंगे चेक करेंगे देखते भाई कौन से है। अभी गाड़ी को लगा रहे पार्किंग में, भीड़ बहुत है भाई है सोपो भाई, सोपो भाई परेशान होते हुए गाइस। तो भाई अपने सिल्वर वाले जो अलॉय व्हील थे ना फॉर्च्यूनर के भाई वो आ चुके हैं देखो भाई, एक ये रहा भाई ये थोड़ा यूज है उसमें निशान आ रहे देखो यहाँ पे कहाँ पे था वो कहाँ पे था ये रहा देखो इसमें निशान है, तो इसको नहीं ले रहे दूसरे को लेंगे, मैंने कहा भाई ये नहीं दो दूसरा देखो, ये रहा भाई कोई नहीं चेंज करा देंगे। तो भाई ये वाले अपना व्हील सिलेक्ट कर लिया, ये देखो भाई सिल्वर है ना अलग ही दिख रहे हैं ना सिल्वर है, ग्रे ग्रे से थे डार्क टाइटेनियम कलर पता नहीं कौन से बोल रहे थे और कह रहे थे भाई ये सिल्वर आते ही नहीं है, और ये देखो सिल्वर है ना, और देखो बैजिंग देख रहे हो टोयोटा की बिल्कुल लोगो, और उनमें लोगो भी नहीं था भाई, तो ये बिल्कुल जेन्युइन है, और वो जेन्युइन नहीं थे वो कह रहे थे भाई ये मतलब ऐसी है जो बाहर से आते हैं ये मिल गया भाई जेन्युइन, तो इनको डलवा रहे अब, एक टायर अपना डल भी चुका है ये रहा ठीक है, और दूसरा टायर आ गया अपना ये चौड़ा भाई। फाइनली भाई अपने चारों टायर लग चुके हैं और इसके भाई इसने ही ज़्यादा टाइम लगाया था बस ये भी लग गया है, और टायर का भाई बस अब डर लग रहा है टच ना हो रहा हो कहीं भी। ला भाई फाइनली भाई अपने फॉर्च्यूनर में डल चुके टायर, भाई तुम्हें ना कैमरे में इतना मतलब दिख नहीं रहा होगा पर रियल में देखोगे ना
गाड़ी होगी बहुत भरी भरी सच में भाई। भाई ये भाई 4x4 के है, जो न्यू मॉडल 4x4 आ रही है ना उसके अलाय टायर भी।